गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मेरा फ्रेंड तुषार जो वेलिंगटन में रहता था वो आज मेरे घर आया है ऑकलैंड जस्ट फॉर क्रिसमस हॉलीडेज़। तो अभी प्लान कुछ ऐसा बन रहा है कि हम बाहर जाएंगे, थोड़ा सिटी घूमेंगे बिकॉज वो घूमने का काफ़ी ज़्यादा शौकीन है। तो या कुछ ऐसा ही प्लान है। अभी वेदर भी काफ़ी अच्छा है बाहर, तो और सोने पर सुहागा हो गया, तो आप लोगों को भी ले चलेंगे। अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, वो अपनी मीटिंग खत्म करता है एंड देन विल लीव। नाम ले लो और आपको क्वीन स्ट्रीट में मिल जाएंगे। तो आपको थोड़े से दर्शन करा देता हूँ इसके। सो गाइस ये BNZ का ऑफिस है यहाँ पे, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक्स इन न्यूजीलैंड। और कुछ ऐसा व्यू है यहाँ पे। सो ये डेलॉयट की बिल्डिंग है आई थिंक। या सो दैट्स डेलॉयट। यहाँ पे एक्चुअली एक मेरा फ्रेंड काम करता था। इज रियली गुड, आसमान भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो दैट्स नाइस। सो गाइस दिस वाज द स्टोर जहाँ से मैंने अपना आईफोन लिया था। सो दिस इज द बैंक दैट आई वर्क फॉर, ASB। सो ये इनका मेन ऑफिस नहीं है बट दैट्स देयर वन ऑफ द ब्रांचेस। क्वीन स्ट्रीट ब्रांच है यहाँ पे इनका रिटेल बैंक है यहाँ पे, और इनका ATM भी यहीं पे है। सो यूजुअली गाइस काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। यूजुअली इट्स जैम पैक्ड बट आई थिंक फॉर सम रीज़न अभी उतनी भीड़ नहीं है। एंड द रीज़न कैन बी क्योंकि आज क्रिसमस ईव है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो छुट्टियों पे चले गए हैं एंड जो ऑफिसेज हैं वो भी क्लोज हो गए हैं। तो दैट्स वाई यू वॉन्ट सी मच क्राउड है। बट यूजुअली स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। एंड देन ये स्ट्रीट जो होती है वो काफ़ी ट्रैफिक है, लाइक देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक है। तो गाइस ये थी क्वीन स्ट्रीट, बट अभी इसके बाद हम प्रॉब्ली वायाडक्ट जाएंगे, वायाडक्ट ढाबा, जहाँ पे आई विल शो यू माय ऑफिस देयर, जहाँ पे ASB जो बैंक है उसका मेन हेड ऑफिस है एंड दैट्स वेयर आई वर्क। सो वहाँ के व्यूज गाइस काफ़ी अमेजिंग है, बट दैट्स द अदर साइड। तो यहाँ से हमें वापस यू टर्न लेना पड़ेगा एंड देन प्रॉब्ली आई विल शो यू दैट इज़ वेल। और मेरा पुराना ऑफिस जो न्यूजीलैंड ट्रांसपोर्ट था वो भी वहीं से पड़ता है। सो इट जस्ट लाइक एट सेंटर क्वीन स्ट्रीट के बिल्कुल बीच में है वो। तो ये रहा हमारा सिविक थिएटर। तो यहाँ पे काफ़ी सारी मूवीज़ चलती हैं, बॉलीवुड मूवीज़ भी यहाँ पे चलती हैं, बट इट डिपेंड्स कौन सी, बट सारी तो नहीं, बट या जो काफ़ी बड़ी मूवीज़ होंगी स्टार्स की डेफिनेटली इट विल बी देयर एट सिविक थिएटर। आई थिंक लेटेस्ट आई डोंट रिमेंबर कौन सी चली थी, बट या इवेंट सिनेमाज़ में, सॉरी नॉट सिविक थिएटर बट इवेंट सिनेमाज में चलती है। और ये गाइस मेरा एक और ASB का ब्रांच है भाई, ASB हर जगह है यहाँ पे। सो दैट्स द अनदर ब्रांच ऑफ ASB बैंक। मेरा पुराना घर था, यहाँ से अगर आप सीधा जाओगे तो नेल्सन स्ट्रीट है और यहाँ से अगर आप जाओगे तो दिस इज़ साइमन स्ट्रीट। यहाँ से आप सीधा जाओ सीधे और आपको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड की बिल्डिंग मिल जाएगी एंड दैट्स वेयर आई यूज्ड टू गो। सो पहले जब मैं स्टार्टिंग में आया था यहाँ पे नया, तो यहाँ से मैं सीधे चलता था एंड देन स्ट्रेट यहाँ से और देन डायरेक्टली मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो सीधे ऊपर थी। बट यार वहाँ पे इंक्लाइन काफ़ी ज़्यादा है, एक एल्बर्ट पार्क आती है वहाँ से, वहाँ पे हालत ख़राब हो जाती थी मेरी। गाइस अभी हम डाउनटाउन की तरफ आए हैं एंड दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द टाउन आई लाइक। यहाँ पे सिटी में भी है और सिटी के जितना उतना शोर भी नहीं है। सो यू सी फ्रॉम हेयर गाइस आपको पूरी ऑकलैंड सिटी का व्यू दिख जाएगा। सो मोस्ट ऑफ द स्काई राइजेस बिल्डिंग्स जो भी आपको है वो यहाँ से दिख जाएंगी एंड दैट्स द स्काई टावर देयर। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज दैट्स माई ऑफिस देयर गाइस। सो दैट्स द ASB नॉर्थ वॉफ ऑफिस जहाँ पे मैं काम करता हूँ एंड वहाँ से व्यूज़ गाइज आर रियली अमेजिंग, क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो इट्स लाइक रियली पूरा ओशन व्यू है यहाँ से। वैसे भी अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो अभी ज़्यादा ऑफिस जाना होता नहीं है, बट आई थिंक अराउंड अगस्त से मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा हूँ। एक बार मैं ऑफिस आया था जस्ट फॉर बिफोर क्रिसमस ब्रेक कैचअप करने के लिए, बट या द प्लेस इज़ रियली नाइस। और वहाँ पर अगर आप बिल्डिंग के नीचे देखोगे आई प्रॉब्ली आई विल गो देयर एज वेल। काफ़ी सारी खाने की प्लेसेस हैं एंड यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ फूड लाइक थाई फूड, इंडियन नहीं है बट थिंक देयर आर लॉट ऑफ अदर कुजींस यू विल फाइंड देयर।
गाइस ऑफिस का मेरा एक क्लोजअप भी देख लो आप, ट्री होती है ऑफिस नहीं यहाँ से नहीं, ये एक्चुअली रिटेल ब्रांच है। सो यहाँ से यूजुअली आई एंटर एंड देन, अब तो काफ़ी टाइम भी हो गया, थर्ड फ्लोर पे हमारा ऑफिस है, यूजुअली पहले सेवन्थ फ्लोर पे हमारी टीम बैठती थी एंड वहाँ से व्यूज़ काफ़ी अमेजिंग होते थे। लंच ब्रेक में आई कम हियर एंड हाँ, सो मोस्टली ऑफिस पार्टीज हमारी यहाँ पे होती हैं। सो गाइस यहाँ पे खाने पीने का दैट्स मिस क्लाउडी, दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द फेमस प्लेसेस टू ईट, सुना है मैंने। सो गाइस वी आर हेडिंग बैक होम नाउ, एक्चुअली प्लान तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जाने का था लेकिन धूप इतनी ज़्यादा है प्लान कैंसिल कर दिया। सो एंड इट्स नॉट रिकमेंडेड कि न्यूजीलैंड की धूप में हम बिना सनस्क्रीन के इतना ज़्यादा घूमें, सो काफ़ी अनकम्फर्टेबल हो रहा है। सो आई थिंक आई क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट गाइस। काफ़ी सारे लोग जो होंगे इंडिया में भी जो प्लान कर रहे होंगे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड में आने का या न्यूजीलैंड आने का इन जनरल, आई थिंक आई क्रिएट अ सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट स्पेसिफिकली फोकस ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड। उसका कैंपस मैं आपको आगे पीछे दिखा दूंगा, कहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, वहाँ पे आगे पीछे क्या क्या है और हॉस्टल्स कहाँ पे, आई थिंक दैट वुड बी रियली हेल्पफुल गाइस। तो यार आज नहीं हो पाया, होपफुली इन कमिंग वीडियोज आई क्रिएट अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। वी आर बैक होम और इतनी गर्मी में चलने के बाद ज़िंदगी का असली मज़ा इसमें है गाइस, ये देख लो क्या है, ये जल जीरा। कुछ ही क्षणों पहले हमारे दरबार पे इस देवी का दर्शन हुआ है और इस देवी ने बड़ा इंटरेस्टिंग खाना बनाया है हमारे लिए, बढ़िया खाना बनाया है। सो गाइस ये देखो माय फेवरेट दाल चावल एंड जीरा आलू। आप दर्शकों को सच सच बता दो कि असली सच्चाई क्या है, कौन सी सच्चाई अंकुश? मेगा जो मैं अच्छा खाना बनाती हूँ? नहीं, फिर एक्चुअली वाली सच्चाई जो हमारे सब्सक्राइबर सुनना चाहते हैं, ये सारा खाना अंकुश ने बनाया है। हाँ, क्योंकि अंकुश को पता है कि मेरा फेवरेट है दाल रोटी एंड जीरा आलू, तो मुझे घर का खाना बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, तो लुक एट दैट। सो गाइस ये खाना घर की दाल, घर का जीरा आलू एंड राइस, तो गाइस ये वेरी सिंपल एंड टेस्टी, मेरा फेवरेट है। तो मैंने अंकुश को सुबह कहा था कि मैं यहाँ पे डिनर करने आऊंगी, तो ऑब्वियसली ही नोज कि व्हाट्स माय फेवरेट, तो उसने बनाया। सो थैंक्स अंकुश। गाइस ये खाना हमने बनाया है सारा, इन्होंने नहीं बनाया। ऑकलैंड में लाइट शो देखने जा रहे हैं, वो भी जैकेट पहन के, भाई इतनी ज़्यादा गर्मी थी और शाम को हमने जैकेट निकाल लिया है। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑकलैंड वेदर। सो एक दिन में चार सीजन आपको देखने को मिलेंगे ऑकलैंड के अंदर। तो अभी रात के 9 बज रहे हैं और रोशनी अभी भी कायम है। देखते हैं, हम अंकित भाई कह रहे हैं कि आज लास्ट डे है लाइट फेस्टिवल का, तो अगर वो रहा तो देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे, और अगर नहीं रहा तो बेटा इसको इतनी मार पड़ेगी ना। मैं सोच रहा था, ऐसे तो मैंने कल भी बोला था पार्किंग मिल जाएगी भाई, आज आज तू अगर फिर से फेल हो गया ना तो बेटे तू देख लेना, लोग भी देख रहे हैं, जनता देख रही है, जवाब देना पड़ेगा तुझे, सिर्फ हमें नहीं जनता को भी जवाब देना। कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा, सब लोग फोन लेके बैठे, क्या हो रहा खत्म और अब हम वापस घर जा रहे हैं। एक्चुअली आई वाज क्वाइट नाइस, राइट? या इट वाज नाइस बट आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे लगा था कि या एग्जैक्टली मुझे लगा फायरवर्क्स होंगे। फॉर नाउ अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा सो गाइस फाइनल गुड बाय। हां गुड बाय, पापा मम्मी को बाय कर दे तू।
तो अंकित के मम्मी पापा है और किसी को बोलना चाचा चाची को नहीं एक पड़ोस में धीमन अंकल तो धीमन अंकल हेलो और किसी का शर्मा जी का बेटा वो अगले ब्लॉग में तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल लाइक करो वीडियो को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ थैंक यू